अतीक अहमद के कब्जे से आजाद हुई जमीन पर सरकार की योजना के तहत बन रहा गरीबों का आशियाना, हजारों लोगों ने किया आवेदन। प्रयागराज हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद के कब्जे से उसकी जमीन आजाद हो गई है। अब इस जमीन पर सरकारी योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे और इसके लिए लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रयागराज में लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के व्यवसाय से मुक्त किए गए जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैटों के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उनका मान्य डूडा की ओर से पूरा कर लिया गया है। इस फ्लैट के लिए 6030 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, इनमें से 5127 लोग अपात्र पाए गए। आपको बता दें कि सत्यापन के अनुसार 903 लोग ही पात्रता की सूची में शामिल हो जाते हैं, बाद में लॉटरी के माध्यम से उन्हें फ्लैट दिए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैटों की बिक्री के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जून में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक माह तक आवेदन हुआ। डूडा की ओर से 2 महीने पहले आवेदन करने वालों का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें 5127 लोग अपात्र हो गए। आवेदनों के सत्यापन के पूर्व एक फ्लैट के लिए लगभग 80 प्रमाणीकरण थे, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब एक फ्लैट के लिए लगभग 12 वरीयताएं हैं। माफिया की जमीन का आशियाना हो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया। उन्होंने 18 महीने में फ्लैट तैयार करने का दावा किया था, लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अभी तक 2 महीने में आवास तैयार नहीं हो पाया है। पीडीए सचिव अजीत कुमार सिंह का कहना है कि अगले महीने से दर्ज किए गए आवेदन के अनुसार त्रुटियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब योगी सरकार माफिया अतीक अहमद की अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाएगी। अतीक अहमद अपने कर्मों की सजा भुगतेगा।